हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर आपके लिए लाइन की प्रैक्टिस ज़रूरी क्यों है और हम लाइन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और क्या करने के अच्छे अच्छे मेथड है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो लाइन्स है वो हमारे आर्ट फील्ड में क्या अहमियत रखती है, कि मतलब हमें लाइन की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। गाइस, कभी आप सोचो कि आपको अगर कह दिया जाए कि आप ग्राउंड में जाओ और फुटबॉल खेलो। अब गाइस, जो सामने वाली टीम है वो तो बहुत, उसने उस टीम ने बहुत प्रैक्टिस करी है, उसने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं और मतलब वो काफ़ी अच्छा खेलती है, वो टीम काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलती है। और एक तरफ आपकी टीम है, आपकी टीम में ना आज तक कभी फुटबॉल खेला है, ना आज तक कभी कोई मैच जीता है, मतलब कोई प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो आप कैसे खेलोगे उनके सामने? मतलब अगर आपके खेलने की हिम्मत है तो खेल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जीत नहीं पाओगे। तो वैसे ही गाइस, आर्ट फील्ड में क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले या फिर हमने स्टार्ट कर चुके हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। गाइस, आज के दौर में मतलब हम जो भी काम करते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के अच्छे से होता हो, चाहे वो बिजनेस हो या वो कुछ भी हो, चाहे वो सिंगिंग, डांस या फिर ड्राइंग ही क्यों ना हो। ड्राइंग की भी गाइस प्रैक्टिस होती है। कभी आप नोटिस करना कि जब आप छोटे थे तो आपको लिखने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये सब देते थे, और गाइस जब आप बड़े हो गए तब आपको क्या ए फॉर एप्पल इतने सब दिया जाता, नहीं दिया जाता, क्योंकि अब आपको वो चीज़ अच्छे से आ चुकी है और अब आपको बोल दिया जाता है कि आपको ये चीज़ लिखनी है तो आप अच्छे से लिख लेते हो। वैसे गाइस, ड्राइंग में क्या होता है कि हमें लाइन की प्रैक्टिस सिखाई जाती है। लाइन की प्रैक्टिस गाइस क्यों ज़रूरी होती है? गाइस, जैसे कि आपको ये बॉटल दिख रही होगी, इसके आजू बाजू मतलब आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये एक्चुअली इसकी एक बेसिक शेप है। हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसको चीज़ को डायरेक्ट नहीं बनाते, हम उस चीज़ की बेसिक आउटलाइन तैयार करते हैं सबसे पहले। तो गाइस, इसी बेसिक आउटलाइन को तैयार करने के लिए हमें लाइन की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो गाइस, लाइन की प्रैक्टिस एक्चुअली क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि गाइस, अभी आप नोटिस करना कि जब तक आपका दिमाग है, जैसा कि आपका ब्रेन है और आपका हैंड है, जब तक आपका दिमाग सिग्नल नहीं भेजेगा आपके हाथ को कि आपको ये बनाना है, तो आप कैसे बना पाओगे? तो गाइस, वैसे ही होता है कि अगर आप लाइंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको, आपके ब्रेन को लगेगा कि यार ये तो, इसने तो लाइन की प्रैक्टिस करी नहीं, अब ये सोच रहा है मुझे ये बनाना है, तो वो बना नहीं पाएगा आपका हाथ, वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब आपके जो ब्रेन है और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो गाइस, इसी ब्रेन और हैंड के कोऑर्डिनेशन के लिए हमें लाइन की प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हमारे दिमाग को लगे कि हमने लाइन की प्रैक्टिस कर ली है, हमारी लाइन सीधी हो चुकी है, अब हमें किसी भी चीज़ की आउटलाइन, बेसिक आउटलाइन कुछ बनाना होगा, हम उसको अच्छे से बना लेंगे। और गाइस, लाइन सिर्फ बेसिक आउटलाइन के लिए नहीं होती, लाइंस की प्रैक्टिस करना काफ़ी अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे जो हमारी ड्राइंग की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है। और गाइस, ये मैं किसी के बोलने पे नहीं कह रहा हूँ, ये गाइस मैंने खुद चीज़ को अप्लाई करा है, 2 महीने से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो गई, मतलब अव्वल दर्जे की हो गई, नहीं वैसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो गई। मतलब अब मुझे कोई कह दिया जाए कि लाइव मॉडल रखा है तो मैं उसको आराम से बना सकता हूँ, मतलब एक डर खत्म हो जाता है मतलब इस चीज़ को करने से, क्योंकि हमारा हाथ बार बार इधर उधर घूमता है लाइंस खींचते वक्त, फिर गोल घुमाते वक्त, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है लाइंस की प्रैक्टिस होने के बाद। तो गाइस, लाइंस की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास है ये एक खाली पेज और मैं इसी पर बनाने वाला हूँ, और ये मेरे पास एक 9B की पेंसिल है। 9B की पेंसिल का गाइस मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये पेंसिल काफ़ी डार्क होती है, ताकि आपको हर चीज़ साफ साफ दिखे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक पेज दिखाना चाहता हूँ, उस पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कैसे प्रैक्टिस करता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो पेज कहाँ पर है? वो पेज कुछ इस तरह का गाइस, मैं इसी चीज़ पर प्रैक्टिस करता हूँ। वो पेज, ये पेज काफ़ी बड़ा है, ये A2 साइज़ का पेज है, तो मैं इस पर प्रैक्टिस करता हूँ लाइन्स खींचने की और सर्कल की, कुछ इस तरह से गाइस आप देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पेंसिल शार्प कर लेनी अच्छे से, उसके बाद आपको एक पेज लेना है। गाइस, ये पेज तो मैंने सिंपल सा पेज लिया है, कार्टून शीट है, मार्केट में आपको 5 का मिल जाएगा ये आराम से। सबसे पहले गाइस, आपको ये कुछ इस तरह की लाइंस खींचनी है। सबसे पहले आपको सीधी लाइन खींचनी है कुछ इस तरह से, जैसे मैं खींच रहा हूँ आप देख सकते हो। आप गाइस मेरे हैंड को नोटिस करिए कि वो मतलब तेज़ी से काम कर रहा है, तब जाके इतनी सीधी लाइन खींच ली है। और गाइस, आप एक चीज़ नोटिस करना कि शुरुआत में जो मेरी लाइन थी काफ़ी बैंड थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते सभी लाइन सीधी हो गई, तो ये चीज़ भी काफ़ी काम आती है। अब गाइस, आपने इस तरफ से लाइन खींच ली, अब आपको उल्टी तरफ से लाइन खींचनी है, इस तरफ से भी आपको लाइन खींचनी है। अगर गाइस आपकी शुरुआत में लाइन टेढ़ी खींचती है तो इससे बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ये तो सबके साथ ही होता है, ये मेरे साथ भी कभी कभी हो चुका है, ये तो खैर रोज ही होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है कि मतलब लाइन
टेढ़ी खींच जाती है, तो उससे आप घबराइए मत, बस आपका जो हैंड है ना वो काफ़ी अच्छे से फ्लो करे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको ये सीधी लाइन खींचनी है आपको कुछ इस तरह से, और यूज़ करें कि आप ज़्यादा डार्क ना करें, हल्के हाथों से कर प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं। लाइन थोड़ी बेंड हो रही तो आप इससे घबराइए मत, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, वो प्रैक्टिस के वक्त आपको सही जाएगा और अच्छे से। देखो गाइस मैं एकदम रफ फिगर बना रहा हूँ, वरना मैं एकदम पूरा पेपर ब्लैक कर देता हूँ, लेकिन टाइम चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में हर चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाद में आपको उल्टी तरफ से लाइन खींचनी है, और अब गाइस आपको पेंसिल को जिस तरह पकड़नी है और सर्कल मैं आपको ध्यान जाता हूँ कुछ इस तरह से, आपको पेज को मतलब पेज को उल्टा कर लेना, मतलब सीधा कर लेना है, लैंडस्केप टाइप का पेज कर लेना है आपको। उसके बाद आपको इस तरह की लाइन खींचनी है, क्योंकि गाइस आपका हाथ जितना लंबा खींचेगा उतनी आपकी लाइन्स परफेक्ट होंगी और जो आपका डर है अंदर का वो निकल जाएगा सारा। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरह की लाइन खींचनी है, और फिर कुछ इस तरह की लाइन खींचनी है, और फिर आपको सर्कल की लाइन खींच, सर्कल आपको बनाना है। सर्कल आप कैसा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि आपको चारों कॉर्नर से मतलब लाइन खींचनी है, ये तो खैर गाइस आप कर ही लोगे। उसके बाद गाइस आपको सर्कल करना है, सर्कल भी गाइस आपका अगर गलत खींच रहा है, गलत गोल बन रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्रॉस बनाइए बहुत सारे, और कोशिश करें कि जो इसके जो मिडल पॉइंट है वो ऐसा टकराए। उसके बाद आप गाइस फ्री हैंड से, एकदम फ्री हैंड से कुछ भी मतलब इधर उधर करते रहिए फ्री हैंड से, इससे गाइस आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी ड्राइंग में तेज़ होती है। तो फ्री हैंड से कुछ भी करते रहिए, ऊपर से नीचे आए फिर आगे से पीछे, कुछ इस तरह से करते रहिए। इससे गाइस आपको मतलब थोड़ा मज़ा भी आएगा और काफ़ी मतलब इससे इम्प्रूवमेंट भी आएगी आपकी ड्राइंग के लिए। तो इससे गाइस फ्लो भी अच्छा रहता है ड्राइंग का। अब गाइस कोशिश करें आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, कुछ जैसे ह्यूमन फिगर बना सकते हो आप इजीली, जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ ऐसे ही मतलब अजीब वगैरह बनाइए आप भी, और कोशिश करें कि वो थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में। आँखें बनाइए, नाक बनाइए, सीधी लाइन खींचिए, फिर से सर्कल बनाइए, तो इससे आपका जो फ्लो है काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर छोटे सर्कल बनाइए, फिर उससे बड़े सर्कल पे आइए, फिर बड़े सर्कल से छोटे सर्कल पे आइए, तो इस तरह से गाइस मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जब आप किसी ड्राइंग को करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस सा फील होगा, आपको मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ड्राइंग अच्छी बन रही है, और आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी इससे, ये गाइस मैं गारंटी देता हूँ। तो ये थी कुछ बेसिक टेक्निक जो आप घर में अप्लाई कर सकते हो न्यूज़पेपर पे भी। तो फाइनली गाइस जो हमारा पूरा मैंने आपको दिखा दिया कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। सो गाइस आपने देखा कि लाइंस की प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए। आपको गाइस कोई सा भी आपके पास पेज है, कोई सी भी आपके पास पेपर है, आप उस पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस गाइस आपको चीज़ ध्यान रखना कि पेज थोड़ा बड़ा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हाथ लंबा होगा और मतलब आपकी लाइन थोड़ी सीधी होगी तो और अच्छा रहेगा। तो गाइस ये थी आज की पूरी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद होगा गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।